हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर एजुकेशन। अब आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ये हमारा JRF का पुराना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। तो पेशेंस रखिए, आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हम इसमें तकरीबन 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। इस बुक में कुछ क्वेश्चन गलत भी दे के रखे थे, तो मैंने उसके सही करके यहाँ पे डाल दिए हैं। तो आप अगर सॉल्व करी भी ये बुक, तो आप देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन का इसमें करेक्टेड वर्जन भी है, उनका बेसिक आइडिया होता जाएगा कि हमको कहाँ से क्वेश्चन करना है कहाँ से नहीं। ठीक है, तो करते चलो स्टार्ट और एंड में ख़त्म कर देते हैं इसका ना। तो बने रहिए आप एंड तक, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए और कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी डाउट आती है बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिस्टिल ऑफ सीड बियरिंग और फ्लोवर इज कम्पोज ऑफ, देखिए पिस्टिल में क्या क्या होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा हमें इसमें। ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेस्ट सेंटर स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन इज बेस्ड नोन एज, तो इसका हो जाएगा IPC, इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल। देखिए यहाँ पे जब इन्वायरमेंट की बात कर देते हैं और इकोलॉजी कंसिडरेशन कर देते हैं, तो हमेशा इंटीग्रेटेड टर्म का यूज़ करते हैं हम, ध्यान रखना। प्रेजेंट ऑफ प्लास्मिड इज ऑब्जर्व इन ओनली बैक्टीरिया। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा जो होता है आपका DNA को छोड़ के जो दूसरा इसमें मटेरियल होता है वो होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में होता है ये प्रेजेंट हमारा। सॉइल विच रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू लाइमिंग, मतलब लाइम डालते हैं तो कौन सी सॉइल आपकी पॉजिटिव काम करेगी, तो एसिडिक सॉइल है। एसिडिक सॉइल का रेडिएशन होता है आपका लाइम से। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर्स इन रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ, तो बायोवेलेंस बनता है मियोसिस में। ठीक है, उसमें अपने को ध्यान रखना है इस चीज़ का। द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोसेस वन ऑफ मियोसिस, सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन आपका एनाफेस में होता है। चलिए, अ मोलिक्यूल ऑफ RNA दैट कैरीज एन अमीनो एसिड मोलिक्यूल टू द राइबोसोम टू यूज प्रोटीन सिंथेसिस, देखो TRNA है वो लेके आता है, अमीनो एसिड कहाँ पे लेके आता है, mRNA के पास लेके आता है। ठीक है, और RRNA एक बेंच की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसमें गलत देके रखा है, 8th वाला, इसको देख लीजिए आप। नील पर्वत ल्यूगेंस जो है आपका ब्राउन प्लांट होपर का नाम है। ठीक है, द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ ग्राउंड नट में वाइट ग्रब होता है आपका। ठीक है, इसका 1 साल का वो होता है लाइफ साइकिल, ये भी ध्यान रखिए। ब्लैक मस्टर्ड का लोकल नाम देखो, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्रासिका नाइग्रा बोलते हैं। ठीक है, पिसा टिन कहाँ से रिलेटेड है, तो पी से रिलेटेड है हमारा, ये ध्यान रखिए। सोयाबीन में जो है कि ऑयल कंटेंट कितना होता है, 20% होता है, प्रोटीन 40% होता है, इसलिए कन्फ्यूज़ कभी मत होना, मैं गलत करके आ गए थे क्वेश्चन एक बार। द वायरस कॉजिंग लीफ कर्ल डिजीज इन कॉटन इज ट्रांसमिटेड बाय, वाइट फ्लाई से ट्रांसमिट होता है वो। ठीक है, सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, आप पोस्ट करके बाकी सब डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ एफ्लाटॉक्सिन कितनी हो सकती है, 5 से 30 PPM तक हो सकती है। देखिए PPM ध्यान रखना है, PPP PPP कुछ नहीं है ना, PPM। द फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजर बैक्टीरिया इस, तो बेसिलस पॉलीमिक्सा होता है ना, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, रट लेना। ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये एक्ट कब आया था, तो ये 1914 में आया था, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं वो कि अगर एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो टोटिपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, लाइन्स देट आर जेनेटिकली सिमिलर, देखो एक पॉइंट को छोड़ के पूरी लाइन सिमिलर हो, तो पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं ना, पुराने मॉक टेस्ट पर आप देख सकते हैं। कितना क्वांटिटी वाटर की रिक्वायर्ड होती है पेडी ग्रो करने के लिए, 1 किलोग्राम के लिए तो 5000 लीटर की जरूरत होती है, सीधा याद रखिए। सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, अभी हमने बात करी, इसको प्लास्मिड बोलते हैं हम। देखो क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट भी हुए हैं इसमें, इसलिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाते हुए ना, तो अच्छे से पढ़ लीजिए सारे क्वेश्चन पेपर। प्लांट सेल डिवाइड ऑफ सेल वॉल, तो प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं उसको, सेल वॉल के बिना ही हम बोलते हैं सेल को प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, सिम्बॉल यूज़ करते हैं आप ओरिजिनल सेल प्लांट के लिए, S0। म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% K2O होता है। टंगरो डिसीज ऑफ राइस इज कॉज बाय द वायरस ट्रांसमिटेड ग्रीन लीफ ऊपर, इसको ट्रांसमिट करता है। देखो मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ वीट 10 मीटर लिखा है, बाकी अब ध्यान रखिए 3 मीटर होता है ना इसमें, पता नहीं 3 मीटर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कम से कम लगाना है आपको। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप कौन सी है, तो शुगर केन है हमारी। द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन DR, देखो मैंने एक बहुत वीडियो डाल के रखा IRI का ऑर्गेनाइजेशन, वो वीडियो देख लीजिए आपकी, बहुत हेल्पफुल होने वाला वो वीडियो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा DG ऑफ ICR को ही हम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलेंगे। ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका EJ बटलर। ड्यूरिंग 1965-66 बिफोर ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया कितना प्रोसेस करता था, तो 10 मिलियन टन करता था। ठीक है, वीट का। विटामिन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट में कौन सा विटामिन नहीं होता, तो B12 नहीं होता, अभी मैंने लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन भी पूछा था अपने साइनोकोब्लामाइन, तो आप बहुत लोगों ने आंसर दिया था उसको। ठीक है, तो आप आंसर दीजिए, कमेंट करा करिए।
तो बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चलते रहेगा। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट इज मीडिएटेड बाय द एजेटोबैक्टर, इसका आंसर है। बेंगल फेमाइन कब आया था? तो 1943 में आया था, ऐसे याद रखना। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस की वजह से हुआ था, ठीक है। और इसका सीओ भी याद कर लेना आप। एंजाइम, कौन सा एंजाइम मॉलिक्यूल को जोड़ता है? तो लाइगेस जोड़ता है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल को, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है ये। देखो ये आंसर भी उसमें गलत दे के रखा, ये भी आप सही कर लीजिएगा। इसमें वायरोइन होता है, वायरस पार्टिकल, ठीक है। कंप्लीट वायरस पार्टिकल को वायरोइन बोलते हैं आप। द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस सिंगल सेल हैप्लोइड न्यूक्लियस कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इसको हम गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो बेस पेयर में प्रेजेंट होता है डीएनए में, कौन से होता है? ए टी बी होता है, जी सी बी होता है। तो आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर के कौन थे? तो बी पी पाल थे, ठीक है। पार्ट ऑफ गाइनेशियम विच रिसीव पोलन को कौन रिसीव करता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है वही आपका रिसीव करता है। स्टिग्मा स्टाइल के नीचे जाता है और ओवरी में ओव्यूल होता है, जिसमें कि इसका फर्टिलाइजेशन होता है एक के साथ। ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द मीन्स ऑफ एक्यूरेट आंसर तो इसमें देखे नहीं रखा, लेकिन फिर भी पेडिसल बहुत क्लोज आंसर है, तो आप ये याद रखिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। बीटी कॉटन किसके अगेंस्ट काम करता है? तो अमेरिकन बोलवर्म के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। कॉटन में ये ट्रांसजेनिक है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लैम्डा फेज मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इज नोन एज जनरल ट्रांसडक्शन, और आप है ना जनरल ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, चलिए ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंकिया स्पीशीज करती है, ठीक है। तो फ्रेंकिया इज द करेक्ट आंसर। हु डिस्कवर्ड दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम सीओ टू? तो वेन निल ने बोला था, ठीक है, कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आती है, ना कि सीओ टू से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो आपका आंसर लगाना है वाटर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज सीड डोरमेंसी? तो एब्सिसिक एसिड आपका सीड डोरमेंसी करता है। इफ द पोलन फॉल ऑन द स्टिग्मा बिलोंगिंग टू द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो बोलते हैं जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन नहीं बोलते, क्योंकि जीन्स उसके सेम है। इंडिया 2.4% वर्ल्ड एरिया हैज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, कितनी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है हमारी? तो 8% है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन लोकेशन कहाँ पे है? चेन्नई में है। द फर्स्ट जनरेशन ट्रांसजेनिक की पहली जनरेशन T0 होगी, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग नहीं होती है हमारी। मेस क्या है? तो एनिमोफिला से बाय एयर इसका पोलिनेशन होता है, ठीक है। देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दैट कंटेन यूजुअली एट न्यूक्लियर, एट न्यूक्लियर आपका होता है एम्ब्रियो सेक में, एट न्यूक्लियर एंड सेवन सेल, जो सेवन सेल इन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। द स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? तो एफसीसी के एसिड आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। सिक्स एंदर किसमें प्रेजेंट होता है? 6+1 अरेंजमेंट होता है आपका राइस में। फील्ड क्रॉप दैट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया, अपने देश में सबसे ज्यादा एरिया किसका है? राइस का। प्रोडक्शन किसका है? राइस का है। ए प्लांट विच यूटिलाइजेज द सीओ टू एज अ कार्बन सोर्स एंड लाइट एनर्जी सोर्स ऑफ फूड प्रिपरेशन इज क्लासिफाइड एज फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है, जिससे फोटोसिंथेसिस की मदद से ये करते हैं। रफ सर्फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिविंग सेलुलर इज राइबोसोम, इसके लेक्चर मैंने सारे डाल दिए साइटोलॉजी के, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। एन इंडिविजुअल हैविंग वन लेस देन यूजुअल डिप्लॉइड से एक कम हुआ तो मोनोसोमिक, दो कम हुए तो क्या होगा? नलिसोमिक, एक ज़्यादा हुआ तो ट्राइसोमिक, दो ज़्यादा हुए तो टेट्रासोमिक, ऐसे याद रखिए। एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म सीड स्टोरेज फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म में रखना है तो क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे, क्रायो स्टोरेज बोलते हैं उसको, ठीक है। सिस्टम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1965 में आया था हमारे यहाँ पे, डायरेक्ट याद रखिए। द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर एक्सपोनेंशियल फेज में मैक्सिमम होता है आपका, ठीक है। किस में होता है? एक्सपोनेंशियल फेज में आपका मैक्सिमम होता है ग्रोथ रेट। तो डिविएशन आउट रीचिंग ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इज एपिडेमिक होती है, ठीक है, मतलब एपिडेमिक आ गया, ठीक है, आउट रीच याद रखना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, तो लाइसिन आपका एसेंशियल एमिनो एसिड है, इसकी ट्रिक्स देख के रखी होगी, अब वो आप पढ़ लीजिए, विला विला करके कुछ इसकी ट्रिक है, तो देख लीजिए 10 एमिनो एसिड जो भी है पूरे नाम लिखे रहेंगे उसके, ठीक है। सारे एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, इनके नाम याद रखिए आप, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ आरएनए फ्रॉम ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन बनाने को बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। माल्टोज इज कम्पोज ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज में आपका लेक्टोज आ जाता है, फ्रक्टोज में आपका सुक्रोज आ जाता है, ध्यान रखना ग्लूकोज के साथ, तो ये सब याद रखना, आपको ये भी पूछ सकते हैं ना, तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज याद रखना। फर्स्ट ऑल इंडिया आईसीआर स्पॉन्सर्ड कोऑर्डिनेट क्रॉप इंप्रूवमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट वाज ऑन मेस पे था सबसे पहला। आउट ऑफ द टोटल एरेबल लैंड इन द एरिया रेनफेड 70% हमारे यहाँ पे रेनफेड होता है, ठीक है, बाकी इरीगेशन पे होता है और बाकी तो होते ही नहीं है। द पायरीडोक्सिन न्यूक्लियोटाइड आर को एंजाइम फॉर द एंजाइम कार्बोक्सिलेस, है ना, याद रखना है डायरेक्टली आपको। सनफ्लावर नेक्रोसिस किससे होती है? तो वायरस से होती है। द कोशल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्ट्राइप रस्ट ऑफ वीट इज पक्सिनिया
ग्लूमेरम होता है, बाकी कौन होता है इसका स्ट्रेटिफॉर्मिस होता है, ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये आंसर करेक्ट रहेगा। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाई एमाइलेज से हाइड्रोलाइज करते हैं। एन इफेक्टिव सीड ट्रीटमेंट फंगिसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ लूज स्मट के लिए कार्बोक्सिन करते हैं, ठीक है सब करते हैं लेकिन मेनली कार्बोक्सिन करते हैं प्राइमरी पे। द बेस्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीड बोन वायरस इज ब्लोटर टेस्ट होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा ब्लोटर टेस्ट के बारे में। द प्रोडक्ट ऑफ टू सिंगल क्रॉस हाइब्रिड इज डबल क्रॉस हाइब्रिड, दो सिंगल की बात कर दी उन्होंने तो डबल क्रॉस हाइब्रिड हो जाएगा। द रूल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पैथोजेनेसिटी रॉबर्ट कोच ने दी थी, कोच पोस्टुलेट्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। द साइंटिफिक नेम ऑफ बैक्टीरियम बेसिलस थनजेनेसिस ओव्स इट ओरिजिन थनजिया रीजन इन, कहाँ के हैं जर्मनी के हैं, ठीक है। जो कॉटन रस डिसीज है वो किससे कोस होती है, तो सारे रस फंगस से होते हैं। यहाँ पे कॉमन ब्रेड वीट का नाम है ट्रिटिका मेस्टियम 42, इसका क्रोमोसोम नंबर है। प्लांट देट हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल प्लांट इज डायोशियस होते हैं हमारे। द राइस क्रॉप स्पीशीज ओराइजा ग्लेबेरिमा के नाम है तो अफ्रीका है, और एक और जो दूसरा ओराइजा सटाइवा होता है वो एशिया का है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ प्लांट टू द पैथोजन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एच फ्लोर ने किया था। ये द मोस्ट पॉपुलर एंड एफिशिएंट स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म फॉर वर्मी कंपोस्ट इज आइसेना फेटिजा, ठीक है डायरेक्ट याद रखिए। 12 से 15 ग्राम आपका इंडियन कोटिन का सीड रेट होता है, ठीक है 12 से 15 किलोग्राम। द फर्स्ट हाईएस्ट यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटीज इंट्रोड्यूस इन टू इंडिया थ्रू IRR8 किया था, ठीक है। तराई सोइल में क्या कमी होती है, तो जिंक की कमी होती है। स्टराइल मोजेक डिसीज ऑफ रेड ग्राम, देखो जितनी भी मोजेक डिसीज है मैक्सिमम वायरस से ही होती है ध्यान रखना। बिसाइड इंडिया मेजर इन्वेस्टमेंट कौन करता है मैंगो पे, तो इसराइल करता है, ठीक है। वेन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज 5 से 4 पे हुआ पीएच, तो हाइड्रोजन आयन हमेशा देखो एसिडिटी के साथ हाइड्रोजन आयन बढ़ता है तो इंक्रीज होगा। टर्म पीएच किसने दी थी, देखो पीएच मीटर इस ये सोरेनसन से रिलेटेड है, ठीक है डायरेक्टली आपको लगा देना है। चेन टर्मिनेटिंग कोडोन कौन सा है, तो यूयूसी है, क्योंकि यूएए यूजीएन यूएजी ओपेल एम्बल एंड ओवल, ये ओकेर अम्बल एंड ओपल ऐसा कुछ नाम है, इन तीनों को नाम भी याद रख लीजिए आप, ठीक है। ये तीनों टर्मिनेशन कोडोन है, बाकी यूयूजी कुछ नहीं है, ठीक है। और एयूजी आपका इनिशिएशन कोडोन होता है, वो भी आप याद रख लीजिए। एसिड रेन में क्या क्या आता है, तो NO3 और SO2 आता है आपका, ठीक है। एन एम्ब्रियोनिक सूट ऑफ प्लांट कंपोज ऑफ मेरिस्टेम एंड लीफ प्राइमोर्डिया इज ऑफन प्रोटेक्टेड बाय स्केल्स, तो बड से होता है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, क्योंकि स्पीड मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपको कम लगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर स्पीड थोड़ा कम रखिए। बाकी मैंने कम स्पीड बढ़ाई इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पोज करके और सुनते जाइए, ठीक है। बाकी मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, मेनली हमको आंसर याद रखना। वैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा। तो इसका आंसर रोटेशनल आएगा, अल्टरेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द नॉन न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर के अलावा क्या क्या होता है, तो मैं 2-4 बार भी बता चुका हूँ अपने लेक्चर में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप लेक्चर देखते रहिए थियरी, ठीक है थियरी से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के कंपेरिजन में थियरी से ज़्यादा फायदा मिलेगा अभी स्टार्टिंग में। द सिस्टम ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स इन कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA में होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक दैट लेक सेल वॉल, तो देखिए फाइटोप्लाज्मा और स्पायरोप्लाज्मा, उसमें आंसर देके रखा आपका फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है दोनों के दोनों ही है, और दोनों में ही सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स इसका आंसर आएगा। मोस्ट कॉमनली द बफर सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। NBPGR कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में आपका। इन इंडिया द इशू ऑफ अप्रूवल ऑफ द रिलीज, ये अप्रूवल कमेटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वही करता है ना, जेनेटिक जो भी क्रॉप होती है इसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है आपको। सोइल विद, देखिए इनके सबके रट्टे मार लीजिए, 8.5, ये 4 और ESP, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, मैं किसी लेक्चर में वो ट्रिक कवर करूँगा, बाकी इसका याद रख लीजिए सेलाइन है ना, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, ऐसे करके ट्रिक है तीनों की, ध्यान रखना है ना। प्रिकर्सर ऑफ विटामिन है आपका हो जाएगा ट्रिप्टोफेन, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं देके रखा है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन बाय वाटर बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइसिस होती है बैक्टीरिया की, ये ध्यान रखना। द प्रिंसिपल निमेटोड स्पीसीज कॉजिंग रूट नोड ऑफ ग्राउंड नट इज मिलेडोगाइनी एरेनेरिया है, ठीक है। फ्रेंकल डेवलप द कंसेप्ट ऑफ कोर कलेक्शन इन 1984। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट, साइकोसिल, CCC से याद रखना। एक्सेसिव ग्रोथ ड्यू टू द इनलार्जमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सेल इज हाइपरट्रॉफी, देखिए अगर इसमें थोड़ा सा याद रखिए, ग्रोथ अगर इनलार्जमेंट हो रहा है तो हाइपरट्रॉफी और नंबर बढ़ रहे हैं तो हाइपरप्लेशिया, ध्यान रखना इसमें कन्फ्यूज मत होना। ट्रॉफी से याद रखना, ट्रॉफी बड़ी होती है तो साइज में, और नंबर से बड़ी होती है तो हाइपरप्लेशिया। द येलो कलर ऑफ अनियन इज ड्यू टू द क्यूरेसिटिन, ठीक है, उसमें आंसर राइकोपिन देके रखा, गलत देके रखा है। एन एबनॉर्मल प्रोलीफरेशन ऑफ द शूट ड्यू टू द फाइटोप्लाज्मा ऑफ वायरस इन्फेक्शन इज फाइलोइडी, फाइलोइडी डिसीज पढ़ना सीसीएमए में। फर्स्ट इरीगेशन इन द मेक्सिकन ड्वार्फ वीट इज रिकमेंडेड, ठीक है, तो 21 से 25 डेज में करते हैं CRI स्टेज पर।